को रिसेंटली अगर मैं बात करूँ दिल्ली गवर्नमेंट का, ये पॉल्यूशन पॉल्यूशन चिल्लाते रहते हैं। पहले पंजाब को ब्लेम करते थे कि ये जो फार्म फायर है पंजाब से आता है। अब पंजाब के साथ यहाँ पे क्या है कि अब इनके पास पंजाब में भी गवर्नमेंट है तो भी ये पॉल्यूशन नहीं रोक पा रहे। सबसे बड़ा इशू पॉल्यूशन का है। मैं अगर बात करूँ, मेरे भी फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल्ली छोड़ करके जाना चाहते हैं अदर स्टेट्स में। मैं खुद उत्तराखंड से, तो मैं भी अब सोच रहा हूँ रिलोकेटन लोकेशन के बारे में। केजरीवाल ज़्यादा बेहतर है या योगी, एक नाम? नहीं, दोनों है सही। नहीं तो आपका नाम? अंकित राठौर। राठौर साहब कहाँ से हो आप? हम यूपी। यूपी में कहाँ से? यूपी में इटावा जिला। अब हमारे साथ दो यूथ हैं, दो जवान हैं, एक तरफ केजरीवाल समर्थक हैं, आप किसके समर्थक हैं? केजरीवाल की। दोनों ही केजरीवाल के समर्थक हैं, तो पूछते हैं केजरीवाल किस चीज़ में अच्छे हैं, केजरीवाल ज़्यादा बेहतर है या योगी, एक नाम? नहीं, दोनों है सही। नहीं तो किसी एक को ही तो वोट दे पाओगे? सर एक बात है, आप देखो जो आपके लिए बेनिफिशियल है, ऐसा तो है नहीं कि हम यूपी में भी रहते हैं, वो यूपी का है, मैं दिल्ली का हूँ परमानेंट। केजरीवाल के बेनिफिट, आप यहाँ के दिल्ली के स्कूल देखो, ठीक है, बहुत ठीक ठीक, आप पहले के देखोगे, पहले की बिल्डिंग्स देख लीजिए आप। मैं अपने टाइम की बता रहा हूँ, मेरे टाइम की जो बिल्डिंग्स होती थी, मतलब समझ लो हमारे यहाँ तक की क्लासरूम की बगल वाली बिल्डिंग भी गिर गई थी। बट इस टाइम करेंट टाइप की अगर आप देखोगे स्कूल के अंदर क्या नहीं है, स्मार्ट बोर्ड है, सीटिंग अरेंजमेंट आप देख लो। दिल्ली के प्राइवेट में जाओ, प्राइवेट में आपको लकड़ी के बेंच मिलेंगे, बट वहीं अगर आप गवर्नमेंट में आओ तो आपको बेंच और उस बेंच में बहुत डिफरेंस दिखेगा। साथ ही में आप इस साइड स्मार्ट बोर्ड्स देख लो, थोड़ा मानता हूँ कि टीचर्स की कमी है, बट धीरे धीरे वो भी हो रहा है, डेवलप हो रहा है। और वो सर टाइम तो हर किसी को लगता है, सीधी सी बात ये है। तो MCD चुनाव भी आने वाले हैं, जैसा आपको पता है अभी MCD इलेक्शन आने वाले हैं, क्या लगता है कि आप जिस क्षेत्र से दिल्ली के आते हैं, जिस जगह से आते हैं, जिस गली मोहल्ले से, में प्रॉब्लम है MCD में? मैं बोलूँगा प्रॉब्लम है, बिकॉज मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मान लो पंचाली इंक्लेव, पंचाली इंक्लेव में अगर आप जाओगे, प्रहलादपुर एरिया हो गया, रोहिणी सेक्टर 23 का एरिया जो हो गया, वहाँ पर अगर आप जाओगे ना तो अभी भी आपको गांव वाली फीलिंग आएगी, बिकॉज मिट्टी धूल वगैरह सब कुछ है। बट DRDO की तरफ से वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, समझ रहे हैं आप? मतलब जो प्रॉपर्टी वैसे भी गवर्नमेंट की भी खाली पड़ी हुई है, वो भी कुछ डेवलप हो रही है धीरे धीरे, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, पार्क बन रहे हैं। अब अगर आप थोड़ा सा और साइड आओगे ना तो अवंतिका साइड आपका बुधविहार पड़ जाएगा। पहले बुधविहार क्या था? कुछ ही नहीं था, खेती होती थी। तो दोस्त कैमरे में देख के वह बोलो कि जो आपके क्षेत्र की जो समस्या है उसका समाधान किससे आप चाहते हैं? केजरीवाल से ही चाहते हो, धीरे धीरे होगा। कैमरे में देखकर बोलिए कि केजरीवाल जी से मैं अपने क्षेत्र की समस्या का समाधान चाहता हूँ। केजरीवाल जी ध्यान से सुनिए, एक यूथ, एक नौजवान, एक बच्चा जो भी पढ़ाई कर रहा है, वो आपसे एक मांग कर रहा है कि उसके क्षेत्र में अभी तक धूल उड़ती है, गाँव जैसा माहौल है, दिल्ली की राजधानी में, ये अभी हम खड़े हैं सेंट्रल विस्टा में, ये केंद्र सरकार ने बना दिया पूरा, ये देखिए ये पूरा, ये जितनी आप भीड़ देख रहे हैं सेंट्रल सेक्रेटरीट में ना, ये बनवाया है किसने? ये केंद्र सरकार ने बनवाया है। बिल्कुल, ये पहले से ये केजरीवाल से मतलब? नहीं, ये तो केंद्र का है ना, सेंट्रल एरिया है ये, यहाँ पे आपको सांसद भवन, राष्ट्रपति भवन है, सब केंद्र का है। हाँ। और थोड़ा और आउटर पे निकलोगे तो आपको दिल्ली के उसमें आएगा, स्टेट में आएगा। केजरीवाल जी से बोल दीजिए कि मेरे क्षेत्र में थोड़ा सा डेवलपमेंट करवा दीजिए। बिल्कुल सर, एप्लीकेशन भी डली हुई है, कैमरे में बोलिए, हम पहुंचाएंगे आपकी बात केजरीवाल जी तक पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल कराइए, रोहिणी सेक्टर 23 का एरिया पंचाली इंक्लेव है, वहाँ पे आप आइए, देखिए वहाँ का माहौल कैसा है, बताइए कैसा सर, कैसा? अभी मैंने आपको क्या बताया, गाँव वाली फीलिंग आती है अभी भी वहाँ पे, तो नॉर्मल बैकवर्ड एरियाज में आ रहा है। अगर आप थोड़ा उसमें आओगे, डेवलप करोगे धीरे धीरे, तो वो डेवलप होगा। केजरीवाल जी की मतलब यही मांग है अभी? बिल्कुल सर। एक नौजवान, कितनी उम्र है आपकी? सर मेरी एज 20 है। 20 साल का एक युवा केजरीवाल जी आपसे पूरी उम्मीद करता है कि आप इसकी बात माने। MCD इलेक्शन आने वाले हैं, अगर इनकी मांग पूरी हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपको फायदा हो सकता है, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सर। तो इस बार आपके हिसाब से MCD में केजरीवाल या BJP? सर दोनों ही पार्टी एकदम बराबर पे चल रही है, ऐसा नहीं कि केजरीवाल नहीं है, बट केजरीवाल बेस्ट थोड़ा करेगा, केजरीवाल जी करेंगे, क्योंकि सर हमने एजुकेशन में देख लिया ना, बहुत किया है। भाई साहब आपका शुभ नाम? नितिन पालीवाल। ये आपकी वाइफ है? भावना। भावना जी, देखिए आप कहाँ से हैं? I'm based out of नजफगढ़। नजफगढ़ दिल्ली। तो आप प्रॉपर जी पालीवाल जी इधर के रहने वाले? हाँ जी, पहाड़ों से आपका रिलेशन? मैं उत्तराखंड से हूँ वैसे, बट मैं पूरी पैदाइश जो है वो दिल्ली की ही है। तो आपके हिसाब से भी एक युवा था हमारे साथ जो कह रहा था केजरीवाल ने काम करवाया, बढ़िया काम कराया, स्कूल में कराया, लेकिन कुछ चीज़ों का इनको मालूम नहीं था, क्योंकि कुछ सवाल भी नहीं पूछ सकते, क्योंकि उम्र से छोटे हैं, तो शराब का इनसे सवाल नहीं पूछ सकते, घोटाले का नहीं पूछ सकते। फिर आप जैसे सानिग्य में, अब इनको थोड़ा सा आप जरा ज्ञान की प्राप्ति दें कि इस बार MCD में क्या टक्कर होगी केजरीवाल बनाम BJP की या नहीं? इस बार टक्कर बहुत अच्छा है, बिकॉज जैसे अगर मैं बात करूं BJP की मार्केटिंग बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू देम आम आदमी पार्टी। बाकी आम आदमी पार्टी के पास लोकल कनेक्ट अच्छा खासा है, बट अगर मैं देखूं इतने साल से BJP का जितना मैंने देखा है,
पिछले 15 साल से आई थिंक एमसीडी में बीजेपी ही है, बट अगर आप एमसीडी में अगर कुछ भी काम करवाने जाओ, आप मजा ले कोई काम करवा के देख लें, सॉरी टू से दैट, बट मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ, बट दिल्ली गवर्नमेंट में कभी भी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करूँगा। दूसरा, उनके पास सीएम कैंडिडेट ही नहीं है। अगर मैं बात करूँ उनके पास सीएम कैंडिडेट में उनका पास नाम ही नहीं है, बट इफ़ आई टॉक अबाउट आम आदमी पार्टी तो उनके पास क्लियरिटी है कि उनके पास एक पर्सनल एक पर्सन एज ए अरविंद केजरीवाल इज द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ। तो चलिए, ये तो एमसीडी की ओवरऑल बात हो गई कि एमसीडी में आपने बताया टक्कर तो देगी भाजपा और आम आदमी पार्टी, टक्कर का माहौल रहेगा, वो जो भी पीछे की आपने बताया कुछ कमियां हैं वो बीजेपी में हैं या आम आदमी पार्टी में हैं, लेकिन अभी दिल्ली में आपको क्या लगता है केजरीवाल की क्या कमियां हैं? केजरीवाल जी के साथ इशू क्या था, इन्होंने अभी जो शराब वाला जो काम हुआ ना, नहीं शराब का भी और उसके साथ अभी जो सुकेत है, क्या नाम है वो, जो सुकेश है अपना जेल में है, उन्होंने भी केजरीवाल के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। मनीष सिसोदिया जी पहले फंसे हुए हैं और कहीं ना कहीं ईडी की छापेमारी लग रही है, घोटाले पंजाब में जो हो रहा है वो सब देख रहे हैं खालिस्तान का लेके। इसमें इशू क्या है, देखिए अगर मैं बात करूँ रिसेंटली, अगर मैं बात करूँ दिल्ली गवर्नमेंट का, ये पॉल्यूशन चलाते रहते हैं, पहले पंजाब को ब्लेम करते थे कि ये जो फार्म फायर है पंजाब से आता है, अब पंजाब के साथ यहाँ पे क्या है कि अब इनके पास पंजाब में भी गवर्नमेंट है तो भी ये पॉल्यूशन नहीं रोक पा रहे। सबसे बड़ा इशू पॉल्यूशन का है। मैं अगर बात करूँ, मेरे भी फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल्ली छोड़ करके जाना चाहते हैं अदर स्टेट्स में। मैं खुद उत्तराखंड से, तो मैं भी अब सोच रहा हूँ लोकेशन के बारे में कि घर तो मेरा दिल्ली में रहे, बट ये है कि मैं उत्तराखंड भी कम से कम कुछ बेस बनाऊं अपना अच्छा, क्योंकि जब पॉल्यूशन होता तो पेरेंट्स को, मेरे को रियलिटी में है, पेरेंट्स को उत्तराखंड भेजना पड़ जाता है, तो कम से कम 6 महीने तो गर्मियों में उनको भेजना ही पड़ता है और विंटर्स में भी उनको थोड़ा लेट ही बुलाया जाता है।